अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं MTML YouTube चैनल। मेरा नाम है ताहिर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में शामिल करने जा रहे हैं नोकिया 6.1 प्लस को। जी हाँ फ्रेंड, नोकिया 6.1 प्लस के लिए एक लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है वो रोल आउट कर दिया गया है नोकिया की तरफ से। तो आज हम इसी सिक्योरिटी पैच अपडेट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि नोकिया 6.1 प्लस के अंदर सिस्टम अपडेट जो है वो अवेलेबल है। तो आज इस अपडेट के अंदर देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, इस अपडेट का साइज़ क्या है, बिल्ड नंबर क्या है, क्या इसका चेंज लॉग है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में मेरा साथ दीजिएगा, वीडियो के अंत तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे आपको रेड कलर का बटन जो है वो नज़र आ रहा होगा, उसको जैसे ही प्रेस करेंगे मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं नई वीडियो जो है वो अपलोड करूँ इस अपडेट्स के हवाले से, तो आपके पास उसकी वीडियो जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप मेरी किसी भी वीडियो को भी मिस ना करें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आज नोकिया 6.1 प्लस के अंदर लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है वो मिल चुका है। इस सिक्योरिटी पैच अपडेट में क्या चीज़ें शामिल हैं, क्या लेटेस्ट चीज़ें शामिल हैं और क्या इसमें ओल्ड चीज़ें शामिल हैं, इस अपडेट की तमाम डिटेल्स जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखा दूँ कि इस अपडेट के अंदर जो है आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन में दिखा दूँ कि यहाँ पर सिस्टम अपडेट जो है वो नोकिया 6.1 प्लस के अंदर जो है वो अवेलेबल है। यहाँ पर सबसे पहले हम सेटिंग में चले जाते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद सिस्टम में जाने के बाद एडवांस्ड, एडवांस में जाने के बाद सिस्टम अपडेट। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है वो हमें अवेलेबल है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से बात करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि इस डिवाइस के अंदर ऑलरेडी कौन सा सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है वो इंस्टॉल्ड है। यहाँ पर अबाउट फ़ोन में चले जाते हैं। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद एंड्रॉयड 10 के वर्जन को जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि एंड्रॉयड 10 का अपडेट ऑलरेडी जो है इसमें इंस्टॉल्ड है और यहाँ पर एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल जो है वो 1 दिसंबर 2020 का है। और यहाँ पर गूगल प्ले सिस्टम अपडेट भी 12/01 यानी दिसंबर का ही इंस्टॉल्ड है, यानी लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है वो मिल चुका है नोकिया 6.1 प्लस को। और यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो दिसंबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट और गूगल प्ले सिस्टम अपडेट जो है वो इंस्टॉल्ड है। इसके बाद हम चले जाते हैं बैक। बैक जाने के बाद हम दोबारा अपने सिस्टम अपडेट को चेक करते हैं। जैसे ही आप सिस्टम अपडेट को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है हमें अवेलेबल है नोकिया 6.1 प्लस के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले जो है वो नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट गूगल सिक्योरिटी पैच, जी फ्रेंड्स, लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है वो हमें मिल रहा है नोकिया की तरफ से। और इसके बाद जो है वो व्हाट्स न्यू है, व्हाट्स न्यू के अंदर गूगल सिक्योरिटी पैच 2021-01। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर 2021-2021 का फर्स्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है वो मिल चुका है नोकिया 6.1 प्लस को। और यहाँ पर जो है जनवरी का सिक्योरिटी पैच अपडेट दिया गया है नोकिया 6.1 प्लस की डिवाइस के लिए। इसके बाद जो है एडवाइजरी नोटिस है, इट इज़ रिकमेंडेड दैट यूजर्स यूज़ वाईफाई वेयर एवर पॉसिबल इन ऑर्डर टू डाउनलोड अपडेट्स। इफ़ यू विश टू यूज़ सेलर मोबाइल कनेक्शन, प्लीज़ नोट दैट डाउनलोडिंग डेटा ओवर अ सेलर मोबाइल नेटवर्क इंक्लूडिंग वेन इन अ रोमिंग एनवायरमेंट मे इनकर एडिशनल चार्जेस, चेक विद योर नेटवर्क प्रोवाइडर शुड यू हैव एनी कंसर्न। तो यहाँ पर एडवाइजरी नोटिस है, तमाम डिवाइस नोकिया के जिसके अंदर अपडेट मिलता है उनको ये अपडेट जो है एडवाइजरी नोटिस के साथ मिलता है, जिसके अंदर वो मेंशन करते हैं कि नोकिया वाले रिकमेंड करते हैं कि इस अपडेट को जो है वाईफाई के थ्रू डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें ताकि आपको जो है एक्स्ट्रा चार्ज पे ना करें पड़े और कोई भी आपको जो है दुश्वारी पेश ना आए डाउनलोड और इंस्टॉलेशन के अंदर। अगर आप इसको सिम के थ्रू डाउनलोड करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो पे करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कोशिश करें इसको वाईफाई के थ्रू डाउनलोड करें जहाँ पर स्टेबल वाईफाई की जो अवेलेबिलिटी आपको मैसर हो। इसके बाद जो अपडेट साइज़ है, जी हाँ फ्रेंड्स, अपडेट साइज़ जो है वो 21.06 MB का है। जी हाँ फ्रेंड्स, 21 MB से थोड़ा सा ज़्यादा ये अपडेट साइज़ है, तकरीबन 21 MB का ही अपडेट साइज़ है, नॉमिनल सा अपडेट साइज़ है, इजीली आपके डिवाइस के अंदर डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारी अपडेट जो है वो ऑलरेडी डाउनलोड हो चुकी हुई है।
तो यहाँ पर जो है जैसे ही हम रिस्टार्ट के बटन को जो है क्लिक करेंगे तो हमारी डिवाइस जो है वो रिस्टार्ट हो जाएगी, और इसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर जो है क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है हम अपनी डिवाइस को जो है रिस्टार्ट नाउ को जैसे बटन प्रेस करते हैं तो हमारी डिवाइस जो है आप लोग देख रहे हैं सिस्टम अपडेट इंस्टॉलिंग हो रही है, और यहाँ पर फौरी जो है वो हमारी डिवाइस जो है वो कुछ टाइम के अंदर ही रिस्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर वीडियो में यूँ ही मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आप और जानकारी हासिल करना चाहते हैं इस अपडेट के हवाले से तो नीचे आपको रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो मेरे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो यू फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि डिवाइस जो है वो रिस्टार्ट हो रही है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम जो है वो दरकार होगा एंड्रॉयड वन गूगल की ब्रांडिंग जिसकी कोलेब्रेशन के साथ जो है वो नोकिया अपनी तकरीबन तमाम डिवाइसेस जो है वो लॉन्च करता है। स्टॉक एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिलता है एंड्रॉयड वन के अंदर जिस तरह आपको गूगल पिक्सल की डिवाइसेस के अंदर देखने को मिलता है, सेम आपको जो है नोकिया के अंदर भी देखने को मिलता है। वही यूज़र एक्सपीरियंस पिक्सल की डिवाइसेस वाला, और वही एक्सपीरियंस जो है आप लोगों को स्टॉक एंड्रॉयड में दिया गया है एंड्रॉयड वन में नोकिया की डिवाइसेस के अंदर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। जो लोग गूगल पिक्सल की डिवाइसेस को पसंद करते हैं उनको भी डेफिनेटली ये डिवाइसेस नोकिया की अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि हमारी डिवाइस जो है वो रिस्टार्ट हो रही है। यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो टाइम दरकार होगा क्योंकि यहाँ पर जो हमारी इंस्टॉलेशन जो है वो प्रॉपर इंस्टॉलिंग के लिए टाइम रिक्वायर करती है ताकि जितनी भी इसमें सेटिंग्स हैं वो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो जाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी डिवाइस जो है वो रीस्टार्ट हो चुकी हुई है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि फ़ाइनल इंस्टॉलेशन जो है वो चल रही है इस वक्त। यहाँ पर जो है फिनिशिंग सिस्टम अपडेट्स जो है वो हो रही है। यहाँ पर कुछ ही लम्हे में ये अपडेट जो है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाएगी हमारी डिवाइस के अंदर। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम जो है वो और दरकार होगा, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। तो फिर यहाँ पर जो है हमारी डिवाइस के अंदर इंस्टॉलेशन जो है वो प्रॉपर हो चुकी हुई है। यहाँ पर हम चले जाते हैं सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में जाने के बाद सिस्टम, सिस्टम में जाने के बाद एडवांस्ड, एडवांस में जाने के बाद सिस्टम अपडेट। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जनवरी 2021 का जो है फर्स्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है वो इंस्टॉल हो चुका हुआ है हमारे नोकिया 6.1 प्लस की डिवाइस के अंदर। जैसे ही आप लोग चेक अपडेट्स को दोबारा क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है वो आप लोगों को जनवरी की अपडेट के बाद जो है वो और कोई अपडेट जो है वो देखने को नहीं मिलती क्योंकि लेटेस्ट सिक्योरिटी के पैच अपडेट है जो इस वक्त मिल चुका है नोकिया 6.1 प्लस की डिवाइस को। इसके बाद हम बैक चले जाएँ। इसके बाद अबाउट फ़ोन, अबाउट फ़ोन में जाने के बाद एंड्रॉयड 10 वर्जन। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जनवरी 1, 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट है वो इंस्टॉल हो चुका है नोकिया 6.1 प्लस की डिवाइस के अंदर, और यहाँ पर जो बिल्ड नंबर है वो 4.15C सर्विस पैक जो है वो 08 है। यहाँ पर जो दिसंबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट था उसका सर्विस पैक 07 था, और यहाँ पर जनवरी 2021 का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है ये सर्विस पैक 08 है, यानी 8वां सर्विस पैक जो है वो इस वक्त इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है वो इंस्टॉल हो चुका हुआ है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इम्प्रूवड हैं, क्या क्या इसमें चेंजेस हैं, ये कबल इस वक्त कहना बिल्कुल मुश्किल होगा क्योंकि इस डिवाइस को जो है कुछ दिन जो है वो चेक करने में लग जाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। तो जैसे ही मुझे कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन में देखने को मिलेगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, इसके कैमरे के हवाले से, इसके बैटरी बैकअप के हवाले से, इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के हवाले से, और या कोई और चीज़ इसमें अपडेट में ऐड की गई है तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ उसकी वीडियो सेपरेट जो है वो शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर जब भी मेरी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके डिवाइस के ऊपर आपको सबसे पहले मिल जाए। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखे दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।